चांदीवली इलाके में मुंबई कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने पर मोर्चा निकाला गया। मोर्चा में करीब 200 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली में चल रहे पूर्व आर्मी के आंदोलन में से एक आंदोलनकारी द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद उसके परिवार को मिलने जा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया और जगह जगह कांग्रेस का हंगामा शुरू हो गया। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादा। इस आंदोलन में संजय निरुपम के बाद कृपा शंकर सिंह और नसीम खान भी सहभागी हुए। समय नाश में मुंबई। राहुल गांधी जी को जो जबरदस्ती बिना वजह गैर कानूनी तरीके से दो दो बार डिटेन किया गया है, उसके खिलाफ मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक विरोध प्रकट हो रहा है, क्योंकि वहां एक जवान ने सुसाइड किया। उस जवान को, उन जवानों को ओआरओपी चाहिए। उन जवान को देखने उनके परिवार के साथ वो अस्पताल जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी दुर्दैवी सरकार है कि न तो ओआरओपी दे रही है और न ही सुसाइड करने वाले जवान के परिवार से मिलने दे रही है। तो ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ ये विरोध है।